पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाजपा की नगर विधानसभा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के द्वारा कार्यशाला की अध्यक्षता की गई और संजय शर्मा के द्वारा संचालन किया गया। इस अवसर पर बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। आयोजित बैठक में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी महानगर मुरादाबाद के महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर कार्य करना है और सभी को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलानी है। तो वही मंच का संचालन कर रहे संजय शर्मा ने कहा कि भाजपा हर वक्त चुनाव के एक्टिव मोड में रहती है और लगातार वो कार्य करती रहती है। इसी क्रम में आज नगर विधानसभा की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर मंत्री सर्वेश पटेल ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया पर एक्टिव मोड में रहकर काम करती है और सभी को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की जरूरत है। डाटा कलेक्शन का काम का भाजपा के द्वारा तेजी के साथ किया जा रहा है, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है। आज बूथ सशक्तिकरण अभियान का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें नगर विधानसभा की आज कार्यशाला थी, उसी विषय में यहाँ पर हमारे जो नगर विधानसभा के पांचों मंडल वो एकत्रित हुए थे, उसी के विषय में विस्तार से यहाँ पर चर्चा हुई। बूथ को सशक्त करना यही हमारा मुख्य वो है। आज महानगर मुरादाबाद के नगर विधानसभा की बूथ सशक्तिकरण अभियान के विषय में कार्यशाला थी और इस कार्यशाला के बारे में हमारे महानगर अध्यक्ष जी श्री धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी और हमारे महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा जी ने इस सभी विषयों पर, डाटा प्रबंधन आदि के विषयों पर काफ़ी विस्तृत रूप से सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। क्या विषय रहा आज की बैठक में? बस सिर्फ बूथ को सशक्त करने के लिए ही इस बैठक का, बूथ को कैसे सशक्त किया जाए, बूथ के कार्यकर्ताओं को कैसे सशक्त किया जाए, किस तरह से बूथ पर कार्य हो, इस विषय यही विषय था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।